शादुलपुर में लगभग 5 माह पूर्व दिन दहाड़े गोलियां बरसाकर राजेंद्र गढ़वाल की हत्या मामले में फरार और 5,000 रुपए के शातिर इनामी आरोपी को पुलिस ने अवैध हथियार और जिंदा कारतूस सहित गिरफ्तार करने में सफलता आखिरकार हासिल कर ली है। आरोपी के खिलाफ डकैती की योजना बनाने सहित कई दूसरे मामले भी दर्ज हैं। थानाधिकारी गुरभूपेंद्र सिंह ने बताया कि रात्रि को उन्हें सूचना मिली थी कि फरार आरोपी सुखवीर उर्फ सूखा निकटवर्ती गांव ढंडाल से हथियार सहित निकला है और हरियाणा की तरफ जाएगा। ये सूचना मिलते ही थानाधिकारी गुरभूपेंद्र मय पुलिस दल के साथ नाकाबंदी कर आरोपी सुखवीर उर्फ सूखा को गिरफ्तार करने निकल गए और गांव ढंडाल शेरा से उसे गिरफ्तार कर लिया और उसके कब्जे से एक देसी पिस्तौल लोडेड 115 बोर और 3 जिंदा कारतूस मिले। आरोपी फरारी के दौरान हरियाणा में छिपा हुआ था और फरारी के दौरान इसने साथियों के साथ हरियाणा के सिरसा शहर में फॉर्चुनर गाड़ी किराए पर ली और उसी बहाने से गंगानगर जिले के चालक को पिस्तौल की नोक पर डरा धमका कर गाड़ी छीन ली थी। इस संबंध में सिरसा में मामला भी दर्ज हुआ था और उसके बाद से ही वो फरार चल रहा था। अब 7 अक्टूबर को सुखवीर और उसके साथियों को बीकानेर शहर में बीचवाल इंडस्ट्रियल एरिया थाना एरिया में औद्योगिक क्षेत्र में डकैती की योजना बनाते समय हथियारों के सहित पकड़ लिया गया था, जबकि आरोपी सुखवीर और सुखा अपने अपराधी साथी के साथ भागने में सफल हो गया था, मगर बहरहाल उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। ये सुखवीर और सुखा जो मई 2020 में राजेंद्र गढ़वाल की हत्या हुई थी लोको कॉलोनी में, उसे वंशी चंद्रा था, डंडाल सेना का रहने वाला है, जिसके लिए सब ने टीम गठित की थी, स्पेशल टीम भी बन गई थी। उन्होंने की सूचना थी कल रात को डंडाल मोड़ पे हथियार समेत पकड़ा गया तो हरियाणा जाने के फिर आज में था और फरारी ये लिखकर हरियाणा की तरफ ही जाएगा।